नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिल अग्रवाल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मनस हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में कि ये क्या होता है और क्यों होता है। तो ये एक बीमारी है जिसमें टिपिकल फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हम पहचाने कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि इसे हम मंगोलॉइड सिंड्रोम भी कहते हैं। यानी टिपिकल अगर हम फिजिकल चेंजेस देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोटोनिया, यानी मसल्स में टोन नहीं होता है। आपको हाथ को अपलिफ्ट करने में या पांव के मूवमेंट में दिक्कत आती है। दूसरी हम बात करें तो जो उसकी आईज होती हैं वो टिपिकल अपवर्ड फेसिंग यानी मंगोल जैसी आईज होती हैं। नाक थोड़ी चपटी होती है, जीभ मोटी और बाहर निकली हुई होती है, सिर चपटा होता है, गर्दन छोटी होती है, कान थोड़े थोड़े छोटे होते हैं, हाथ जो होंगे छोटे होंगे, मोटे होंगे, जो लिटिल फिंगर है वो छोटी होती है। हाथ पर एक सिंगल ट्रांसवर्स लाइन होती है। तो ये कुछ मोटे मोटे फिजिकल सिम्टम है जिससे हम पता लगा सकते हैं। मेंटल की बात करें तो इन बच्चों का आईक्यू बहुत कम होता है, यूजुअली आईक्यू 50 से कम होता है और विद द टाइम इनका आईक्यू और कम होता चला जाता है। और इनको लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि जो बोलने की जो क्षमता होती है उसमें भी कमी होती है इनकी। साइकोलॉजिकल बात करें तो ऐसे बच्चे ज्यादातर इम्पल्सिव होते हैं, अटेंशन स्पाज्म जो होता है वो अटेंशन बहुत कम होती है उनकी किसी भी काम में। लेकिन साथ ही ये जो एनवायरमेंट में कोई चेंज होता है, मेजर चेंज, उसको ये लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजिकल आउटबस्ट होता है, फ्रीक्वेंटली साइकियाट्रिक सिम्टम ऐसे बच्चों में डेवलप होते हैं। और साथ ही विद द टाइम इनके अंदर हम बात करें तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज और कुछ और भी डेवलप होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, टिपिकल जो मंगोलॉइड फेस है उसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। अब ये क्यों होता है? देखिए, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कोई भी जो बच्चा होता है उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 जो होते हैं वो अपनी मदर से आते हैं, 23 जो होते हैं फादर से आते हैं। लेकिन जब 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी होती है, यानी ट्रिपल, कुल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो उसमें डाउन सिंड्रोम होता है। ट्राइसोमी भी हो सकती है, मोज़ेकिज्म हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो कहने का मतलब जेनेटिक। सेकंड, अगर मदर की एज 35 साल से ज्यादा और फादर की एज 40 ईयर से ज्यादा हो तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री, यदि परिवार में ऑलरेडी किसी को डाउन सिंड्रोम है तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर इंडिया में बात करें तो हर साल 25,000 से 30,000 बच्चे डाउन सिंड्रोम से पैदा होते हैं, यानी हर 700 में से लगभग एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें, हम जो प्रीनेटल या कंजेनेटल जो टेस्ट होते हैं उनका पता लगाएं और कुछ सिम्टम है उनका पता लगाकर हम बहुत इजीली से डायग्नोज कर सकते हैं। उपचार के लिए बात हम फिर करेंगे। नमस्कार, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा।